हेलो 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 हेलो। सो टुडे हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग करने क्या वाले हैं, मैं एक पल के लिए भूल गया था कि मैं हिंदी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले इंग्लिश वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो उस जोश में मैं इंग्लिश बोलना चालू करने लगा था। क्या है, तो आज हम लोग कर क्या रहे हैं, आज हम लोग DSA का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। और आज का क्वेश्चन जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे वो है मर्ज इंटरवल का, इंटरवल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, खैर, सो मर्ज इंटरवल्स का होगा। एंड इससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं फंक्शन का, कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें इनपुट पे क्या दिया है, हम करेंगे कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया है। उससे पहले मेरे को ये बताना है कि डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, अगर आपको इंग्लिश वीडियो देखनी है इसकी सेम इसी चीज़ की, तो इंग्लिश वीडियो की लिंक नीचे होगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इस कोड के बारे में पढ़ना है जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में कैसे काम कर रहा है ये कोड वो मैंने लिखा हुआ है, उसका डॉक्यूमेंटेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, वही जो हम लोग अपने मैसेजेस में यूज़ करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में करके जो लिखते हैं। तो वो मैं क्या कहते हैं, वैसे डॉक्यूमेंटेशन भी है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हो आप उसे। खैर, अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन करना, और पहले फंक्शन का स्ट्रक्चर समझते हैं, देन फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो फंक्शन का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो है क्या, तो हम लोग को दिया है कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू एक वेक्टर में स्टोर है, जो कि एक और वेक्टर में। तो बेसिकली एक वेक्टर है जिसके अंदर 1 और 3 करके कोई इंटीजर है, वो भी एक वेक्टर के अंदर है, उसके अंदर ऐसे ढेर सारे वेक्टर हैं, लेट्स से 2, 6 और ऐसे कर करके। अब ये दे रखा है हमें आउटपुट में क्या देना है, हमें आउटपुट में भी सेम वेक्टर इनसाइड अ वेक्टर विच कंसिस्ट ऑफ इंटीजर देना है। ठीक, तो हमारा गोल ये है, ये आउटपुट। तो अब हमसे एक चीज़ तो पता चल गई कि हमें आउटपुट स्टोर करने के लिए बनाना पड़ेगा कुछ, तो हम लोग बना लेंगे वेक्टर इनसाइड अ वेक्टर जो इंटीजर है, और इसे क्या देते हैं आंसर है। तो पहले एक ये हिंट हो गया, पहली चीज ये हो गई। ठीक, चलो, तो एक चीज ये पता चल गई, अब करना क्या, आते हैं उसमें। तो हम लोगों को दे रखा है कि एक इंटरवल इंटरवल आई है, लेट्स से। और अच्छा, एक चीज बड़ी कायदे से एक्सप्लेन कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर मैं कहूंगा आई, पहले ये कर लेने दो मेरे को, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इस बाहर वाले वेक्टर के लिए इसका इंडेक्स जो है वो ये है। ठीक है, इस वाले वेक्टर के लिए जो इसका इंडेक्स होगा वो ये होगा। तो ये 0 और ये 1। तो अगर नॉट आई, ये 1, तो हम इसको ट्रेवर्स करने के लिए, इस पे जाने के लिए हम लेट से आई बोलेंगे। तो हम आई से लूप चलाएंगे बाहर वाले के लिए। ठीक है, और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग 0 और 1 से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक नया तरीके का कह सकते हो, नॉट डेटा सेट बट हाँ डेटा सेट कह सकते हो, पेयर यूज करूँगा। पेयर क्या होता है, पेयर भी समझ लेते हैं यहीं पर। तो पेयर क्या होता है, वो दो अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर, चाहे वो इंट इंट हो हमारे केस में क्योंकि हमें इंटीजर और इंटीजर स्टोर कराना है, चाहे इंट और स्ट्रिंग हो, ऐसे दो अलग टाइप के डेटास को पेयर में हम स्टोर कर सकते हैं। और पेयर करेगा क्या, जैसे हम 1 और 3 को स्टोर कर लिए एक पेयर में, ठीक है, और ये एक वेक्टर के अंदर रहेगा, तो पेयर वेक्टर के अंदर रहेगा। तो ये हो गया एक पेयर, ये हो गया हमारा 2 और 6 का दूसरा पेयर, और ऐसे करके स्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो ये बाहर वाला वेक्टर हो गया, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। और पेयर को लेट्स से पी की वैल्यू दे देते हैं, मतलब पी वेरिएबल का नाम का दे देते हैं। तो ये ऑब्वियसली 0th इंडेक्स पे है अपने वेक्टर के, ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1st इंडेक्स पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये P0 है, ये P1 है। और अगर हम लूप करेंगे इससे, लेट्स से फॉर लूप लगाएंगे इस पे, तो ये P0 है और ये PI+1 है, अगर ये I है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे ये काम आएगा। ठीक है, तो पेयर इसे कहते हैं। खैर, अब आते हैं क्वेश्चन में। तो इंटरवल दे रखा है हमें, ये सारे इंटरवल दे रखा है,
ये इसकी स्टार्टिंग है इंटरवल की, ये एंड है, वही दे रखा है, स्टार्ट आई, स्टार्ट एंड आई, एंड ई दे रखा है, ठीक है, स्टार्ट और एंड दे रखा है ये। अब हमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि ये ओवरलैपिंग अगर है इसके बीच में, लेट्स से वन और थ्री को चेक करना है और टू और सिक्स को चेक करना है, अगर ओवरलैपिंग है तो उसे एक साथ करना है, जो कि यहाँ है। अब कैसे पता यहाँ ओवरलैपिंग है, ये वन और थ्री जो है, वन टू थ्री एस ये है, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स एस है, ये ओवरलैपिंग है यहाँ पर, तो हम इसे एक में हमें करना है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये हमें ऐसे वन छोट ये, तो अगर ओवरलैपिंग है तो हमें मर्ज कर देना है और मर्ज करके एक में करना है, तो ये करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। अब अगर देखा जाए ढंग से तो मैंने किया गया है, पहले इसे रेज कर देता है ताकि कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाओ, ठीक है। तो अगर ढंग से देखा जाए तो मैंने ये वाली वैल्यू उठाई, ठीक है, इस वाली वैल्यू को देखा कि जो थ्री है वो क्या बड़ा है टू से, और क्या थ्री जो है वो बड़ा है या छोटा है सिक्स से। अगर थ्री छोटा है सिक्स से तो हम इसको बना देंगे इसकी एंड वैल्यू हमारे फर्स्ट इंटरवल की, ठीक है, और अगर टू जो है, ठीक है, अगर थ्री छोटा है सिक्स से तो एंड हो जाए, एंड की वैल्यू वो बना देंगे। और हम पहले ही स्टार्ट, क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं तो आई ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट तो लिखेंगे, तो ये हमारा एक वेक्टर बन जाएगा। अब क्या होगा कि हम लोग अगला चेक करेंगे, ठीक है, तो ये इसका स्टार्टिंग बन जाएगा, ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे क्या सिक्स एट से छोटा है या बड़ा है। अगर सिक्स एट से छोटा है तो इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि सिक्स पहले ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है, सिक्स पहले खत्म हो जा रहा है तो ओवरलैपिंग नहीं है, तो एट और टेन में कुछ नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे क्या टेन इससे छोटा या इससे बड़ा है। अगर टेन फिफ्टीन से छोटा है तो इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं है, अगर टेन फिफ्टीन से एटीन से बड़ा होता तो इसका मतलब ओवरलैपिंग थी वहां पर। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई, हमें ट्रैक करना है करंट इंटरवल, लेट्स से वन और थ्री करंट इंटरवल है, उसको ट्रैक करना है अगले इंटरवल से। तो यहाँ पर एक आ जाता है कॉन्सेप्ट की ट्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं कहीं, हम इस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं कहीं, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा हमने ये देखा है कि अगर हम इसको पेयर कर लें, ठीक है, हम ये वाली पूरी वैल्यू जो है उठा के पेयर में डाल दें, ठीक है, वन थ्री देन टू सिक्स देन एट टेन देन फिफ्टीन एटीन करके पेयर में डाल दें, और इस पेयर को शॉर्ट कर दें स्टार्ट से एंड तक, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर वन टू थ्री सिक्स एट टेन फिफ्टीन और क्या है आखिरी एटीन, ऐसा हो जाएगा तो हमें आसानी पड़ेगी कंपेयर करने में। तो ये एक चीज़ ये आ गई कि पेयर बनाया और उसे सॉर्ट कर दिए, ठीक है, और पेयर में इंटरवल की वैल्यू स्टोर कर लेंगे पहले, ठीक है। तो पहला स्टेप, पेयर में स्टोर करो इंटरवल की वैल्यू, ठीक है, फिर पेयर को कर दो सॉर्ट, तो ये हो गया। अच्छा, बेस केस क्या होगा, बेस केस मतलब जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल इनपुट है, तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल इनपुट क्या हो सकता है यहाँ पर, कि एक वेक्टर है उसके अंदर एक ही वेक्टर है यहाँ पर, अब ना इसमें कोई ओवरलैपिंग हो सकती है क्योंकि आगे तो कोई वेक्टर है ही नहीं, ठीक है, और अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो ऑब्वियसली यही रिटर्न कर दो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। अब पहले ये कर लेते हैं, हमारा बेस केस लिख लेते हैं, फिर हम पेयर बना लेते हैं, और पेयर वेक्टर के अंदर बनता है तो वो भी बता दे रहा हूँ मैं। तो पेयर का जो स्ट्रक्चर होता है, पेयर हम लोग वेक्टर के अंदर बनाएंगे, तो हम ये कह देंगे पेयर, क्योंकि हमें दो नंबर एक पेयर में स्टोर करना है, दो डेटा टाइप इंट और इंट का, हम इसे कह देते हैं पी, तो ऐसे बनता है पेयर। तो पेयर जो दो डेटा टाइप हैं वो पेयर लिखा, और जहाँ स्टोर कराना है जिस उसमें
वो लिखा और नाम दे दिया उस पेयर को। तो ये चलो पहले ये कर लेते हैं, पहले तो बेस केस लिखें। बेस केस लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे हमारा पेयर, ठीक है। पहले तो बेस केस लिखें, इफ इंटरवल साइज, तो अगर एक है इसका मतलब इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू इसका मतलब उसमें एक ही वेक्टर है, तो रिटर्न इंटरवल्स, ये हो गया हमारा बेस, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल इनपुट जो मिल सकता है। अब करना है हमें बनाना पेयर, वेक्टर पेयर इंट इंट पेयर बना लिया, ठीक है। अब पेयर में करानी है इंटरवल की वैल्यू स्टोर, तो करेंगे क्या हम लोग, इंटर वैल्यू इंटरवल में जाएंगे, को ये निकालने दो, ये रही इंटरवल जो कि ये है, ठीक है। इसमें जाएंगे, लेट्स से इसमें गए और ये पेयर बना लिया हमने, ठीक है, पेयर वेक्टर। तो हम लोग ऐसे ट्रेवर्स करेंगे, 0 1 1 2 2 3 ऐसे करके, और ये वाली वैल्यू स्टोर करा लेंगे यहाँ पर, 1 3 2 6 8 10 एंड 15 18 यहाँ स्टोर करा लिए। फिर इसे सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट करेंगे तो ये अपने आप शॉर्ट आउट सॉर्ट फॉर्म में, मतलब सॉर्ट हो जाएगी, 1 2 3 6 8 10 एंड सो ऑन, राइट। तो ये करना है अब अपने को, ये भी कर लेते हैं। ये तो अभी बना रहे हैं, अपन ने अभी लॉजिक नहीं लिखा, ये तो अभी अपने हिसाब से जुगाड़ बना रहे हैं कि भाई कैसे काम कर सकते हैं इजिली। तो हमने ये लिखा वेक्टर पेयर, अब वे पेयर में वैल्यू करनी है तो लूप चलाना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से। थोड़ा सिंटेक्स सिंटेक्स का ध्यान देना, मेरे अभी जब इंग्लिश वाली वीडियो मैं बना रहा था तो 3 4 एरर आए थे वीडियो के अंदर ही, तो अगर वो देखना हो जाके देख लेना, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर यहाँ पर ना आए, क्योंकि लेकिन अगर आपके एरर आ भी रहे तो कोई बात नहीं, वो पार्ट होता है कोडिंग का। तुम्हारी जो 30% होती है वो कोडिंग होती है, 70% डीबगिंग होती है। तो अगर एरर आ रहा है कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, सॉल्व करो उसे, होराइजन बढ़ेंगे, सोचने का नज़रिया बढ़ेगा, तो इंटरवल डॉट साइज तक जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक है। लोग निराश हो जाते हैं, यार कोई नहीं यार। तो अब हमें करना क्या है, हमने पी बनाया था तो पी में पुश कर देना, पुश बैक, और ये एक एरर आया था तो मैंने किया गया था, मैंने बिना कर्ली ब्रेसेस के स्टोर किया था, बिना कर्ली ब्रेसेस के वो स्टोर ही नहीं होगा, क्योंकि पुशबैक में एक ही वैल्यू डालते हैं पैरामीटर्स पे। अगर हम लोग पैरेंथेसीज लेते हैं, अगर हमें दो वैल्यू पुश करनी है एक बार में तो हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, तो ये एक एरर था वहां पर, ठीक है। तो पी डॉट पुशबैक इंटरवल, अब इंटरवल की कौन सी वैल्यू, तो अब इंटरवल की कैसे ट्रवर्स कर रहे हैं वो भी बता दूं मैं। तो ओके, तो हम लोग इंटरवल में हैं, ये है बाहर वाली अपना 1 2 3, ऐसा 0 1 2 3, ये बाहर वाले वेक्टर के लिए है, तो हम क्या देते हैं आई, हम लोग ये ट्रेवर्स कर रहे हैं 0 से लेके इंटरवल साइज तक, ये चीज़ ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब 0 वाली जो वैल्यू है जो कि ये है उसको स्कोर करना है, तो उसे स्कोर करने के लिए क्या करेंगे, हम कह देंगे इंटरवल 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है कौन सी, आईएथ इंडेक्स पे, क्योंकि हम लोग इंडेक्स से ट्रवर्स कर रहे हैं ना, आईएथ इंडेक्स पे जो, अच्छा ओके, आईएथ इंडेक्स पे जो हमारी 0th वैल्यू है, अगर आप देखो तो ये जो अंदर वाला वेक्टर है उसकी ये 0th वैल्यू है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट। और स्टोर अगर दूसरा एलिमेंट कराना है तो इंटरवल के आई पे जो सेकेंड, मतलब इसकी फर्स्ट है, अगर यहाँ पर एक और वैल्यू होती तो आई प्लस आई इसके सेकेंड, ऐसे होता, तो ये स्टोर कर लेगा हमारा 1, ये यहाँ से 1 ले लेगा, ये यहाँ से 3 ले लेगा। आई होप दिस इज क्लियर।
पहले ये भी कर लेते हैं, इंटरवल, इंटरवल्स जीरो के जो नॉट जीरो के बट आयत के जीरो वाली वैल्यू पे, और इंटरवल्स आयत के फर्स्ट वाली वैल्यू, ठीक है, उसको पी में पुश करना है। ठीक है, पुश हो गया, अब सॉर्ट करना है पी को, तो सॉर्ट कर देंगे पी को स्टार्ट से एंड तक, या बिगिन होता है स्टार्ट में, बिगिन से एंड, बिगिन से एंड तक सॉर्ट कर देंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा था कि हमें आउटपुट स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जो कि स्टोर करेगा एक वेक्टर, जो वेक्टर स्टोर करेगा इंटीजर, तो इंटीजर एक वेक्टर के अंदर रहेगा और वो वेक्टर को स्टोर करने वाला। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं, क्योंकि अभी करते रहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम ये बना रहे हैं आउटपुट जो कि स्टोर करेगा एक वेक्टर, जो कि स्टोर करेगा पेयर, ठीक है, लेट्स से 1 2, ठीक है। अब चलो ये वेक्टर इनसाइड अ वेक्टर और इंटीजर ये तो हम लोग ने डिफाइन कर दिया, लेकिन ये क्या है, ये कैसे बनाएंगे? ये जो वेक्टर है ये बनाना पड़ेगा हमें, फिर इसी वेक्टर को हम लोग दूसरे वेक्टर में पुश करेंगे, ठीक है, इसके अंदर रहेगी इंटीजर वैल्यू, ठीक है, तो ये भी तो वेक्टर बनाना पड़ेगा हमें। ये बनाएंगे, इसमें हम लोग स्टोर करेंगे अपनी वैल्यू जो हम लोग अपने लॉजिक से लेके आएंगे, और फिर इस वेक्टर को इस वेक्टर के अंदर स्टोर करेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर इनसाइड वेक्टर जो कि इंटीजर लेता है। तो अगर हम इस वेक्टर को कह दें वेक्टर डॉट इंट ए, ठीक है, और ए की जो साइज है वो 2 दे दें, क्योंकि हम एक बार में 2 ही एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, तो अब हमारा जो लॉजिक लग जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसको यहाँ से उठा के फिर इस वेक्टर में डाल देंगे, फिर अगले के लिए फिर सेम एक वेक्टर स्टोर होगा लॉजिक लगाने के बाद जो हम लोगों ने चेक किया है, उसे चेक करने के बाद यहाँ पर फिर एक और होगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर एक और होगा। तो हम कर क्या रहे हैं कि एक ए बना रहे हैं जिस पर हम लोग अपने लॉजिक से वैल्यू लेके आ रहे हैं, उस वैल्यू को स्टोर करा के फिर एक यहाँ पर ले आ रहा है, ए नॉट कह लो इसे, फिर A1 ऐसे, A2 इसको कह लो, तो ये हो गया वेक्टर इनसाइड वेक्टर व्हिच कंसिस्ट ऑफ इंटीजर, तो ये हो गया, ये भी करेंगे अपन। ठीक है, पहले तो आउटपुट के लिए बनाया, आउटपुट को तो स्टोर कराना ही है अपने को, तो आउटपुट के लिए पहले बनाते हैं, तो पहले बनाते हैं वेक्टर इनसाइड वेक्टर व्हिच कंसिस्ट ऑफ इंटीजर, आंसर बना लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमको चेक करना है, ठीक है, लेट से हमारी सॉर्टिंग के बाद वैल्यू आई है, हमारी सॉर्टिंग के बाद यहाँ पर लेट्स से वैल्यू आ गई है 1 2 3 6 8 10 15 18। ये क्या है, कंफ्यूज मत होना, ये पी है, ठीक है, ये पी है, ये है, ठीक है, वेक्टर, ठीक है। अब पी की इस वाली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, पी की अगर फर्स्ट वैल्यू आपको लेनी है, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, तो अगर इंडेक्स 1 की ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, तो अगर हमें चाहिए ये इंडेक्स 1 की फर्स्ट वैल्यू को करने के लिए, हम कहते हैं फर्स्ट पी 0 जो कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा फर्स्ट, तो ये हमें क्या देगा, ये देगा 1, पी ये क्या देगा 1, ये क्या देगा 2, तो ये 0 ये फर्स्ट हो गया पेयर में, ये सेकंड हो गया पेयर में। ये क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको रियलाइज हो क्यों बता रहा हूँ मैं, इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हम एक स्टार्ट और एंड बनाएंगे ताकि हम ट्रैक कर सकें, स्टार्ट और एंड बनाएंगे ताकि हम ट्रैक कर सकें अपना करंट वैल इन इंटरवल और जो चल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग पी नॉट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग पी पे काम कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट जो होगा वो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, और पी
जो नॉट है उसका जो सेकेंड होगा वो हमारा एंड होगा, ठीक है। और हम लोग एक लूप चलाएंगे, ठीक है, हर बार ये चेक करेंगे स्टार्ट और एंड, ठीक है, और चेक करने के बाद उसे ए में स्टोर करेंगे जो कि हम लोगों की दो साइज के वेक्टर है, ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि पी नॉट की जो वैल्यू है वो पी आई प्लस वन से चेक करेंगे। अब यहाँ आई प्लस वन क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर हम लोग लूप चला रहे हैं तो आई की पहली वैल्यू तो जीरो है, तो आई तो यही हुआ, तो आई अगर ये हुआ तो पी ये जीरो वाली जो वन एंड टू है उसको हम लोग वन वाले थ्री और सिक्स से चेक कर, ठीक है, आई प्लस वन से। तो ये अगर आई है लूप में तो ये आई प्लस वन होगा, अगर ये आई है तो इसके अगला वाला आई प्लस वन होगा। तो ये बार बार अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो पहले तो अपना स्टार्ट और एंड बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, इंट लेट्स से स्टार्ट पी का जो जीरोथ इंडेक्स है उसका जो फर्स्ट है वो हमारा स्टार्ट है, देन पी ई एंड हमारा पी का जो जीरोथ इंडेक्स है उसका जो सेकेंड है वो एंड है, ठीक है। अब लूप चलाना है अपने को, फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर मेरे से एक इंग्लिश वाले में गलती हुई थी, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ कि p डॉट साइज ये किया था मैंने, लेकिन यहाँ साइज माइनस वन रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ s और e ले रहे हैं जो फर्स्ट इंडेक्स है और उससे कंपेयर करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा लूप चलेगा वो एक पहले तक चलेगा, ठीक है, आई प्लस वन। अगर आपको ये देखना कि इस पे एरर क्या आता है तो आप जाके इंग्लिश वाली वीडियो में देखना, आपको एरर भी दिख जाएगा वहाँ क्या है। तो p साइज माइनस वन, आई होप कि ये क्लियर हो गया कि क्यों आई माइनस वन कर रहे हैं। आई माइनस वन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फर्स्ट जो जीरो इंडेक्स है उसकी वैल्यू एज अ कंपेरेटर यूज कर रहे हैं कंपेयर कराने के लिए, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे कि इफ वही जो शुरुआत में लॉजिक लिखाया था, ठीक है, तो शुरुआत वाला लॉजिक ये कहता है कि अगर हमारा जो एंड है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किससे, अगर हमारा एंड जो है वो ग्रेटर देन है इक्वल टू है पी आई प्लस वन डॉट सेकेंड से उसके लास्ट एलिमेंट से, अगर लास्ट वाला एलिमेंट हमारे इधर वाले लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है या बराबर है तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो हमारा लास्ट एलिमेंट हो जाएगा, नहीं तो ये वाला एलिमेंट जो होगा वो हमारा लास्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग अपना ए वेक्टर बनाना बोल रहे हैं, तो यहाँ बना लेते हैं वेक्टर ए ऑफ टाइप इंटीजर, उसकी साइज जो होगी वो टू होगी, टू ये वेक्टर बना लिया, यहाँ लॉजिक लगाया, ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन नहीं होगा नहीं तो टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर कमांड ही, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों लास्ट वैल्यूज में से जो हमारी जीरोथ वैल्यू जीरोथ इंडेक्स की लास्ट वैल्यू और आई प्लस वन अगर जीरो थी है तो ये फर्स्ट हुआ, तो फर्स्ट इंडेक्स की जो लास्ट वैल्यू उसमें से बड़ा कौन है, तो हम कह देंगे कि जो एंड है ई उसमें से मैक्स किस में से ई में से और ई आई प्लस वन डॉट सेकेंड में से चेक करो कि बड़ा कौन है। आई होप ये क्लियर हो गया। आई प्लस वन नहीं फर्स्ट होगा, एंड के लिए यहाँ मैक्स पे चेक करेंगे लेकिन हम पहले फर्स्ट भी तो चेक करेंगे कि फर्स्ट से बड़ा कि छोटा है, तो ये फर्स्ट होगा। तो यहाँ पहले फर्स्ट को देखा लास्ट से बड़ा है कि छोटा है, अगर हमारा जो एंड है ये फर्स्ट से बड़ा है या बराबर है तो हम चेक करेंगे लास्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इसमें से जो मैक्सिमम आएगा तो अगर मैक्सिमम सिक्स आ रहा है तो हम लोग सिक्स ई में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं करना, जो हमारा स्टार्ट है वो क्या कहते हैं स्टार्ट ही रहेगा, ए नॉट में जो स्टार्ट है हमारा इनिशियली वो तो स्टार्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
जो एंड है वो भी रहेगा क्योंकि कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एंड रहेगा और पॉइंटर एक आगे बढ़ जाएगा आई प्लस वन। सो ए नॉट जो है ये हो गया और हमारा जो स्टार्ट है वो हमारा हो जाएगा पी आई प्लस वन का फर्स्ट। अभी बताता हूँ मैं कि कर क्या रहा हूँ, ठीक, पर एंड जो हो जाएगा पी पी आई प्लस वन का सेकेंड, ठीक है, और इसे हम पुश कर देंगे ए में। तो यहाँ पर भी एक एरर आया था, वो भी जाके आप चेक कर लेना, मैंने ए मैं बनाना भूल गया था और उसमें भी फिर मेमोरी वाला एरर आया था, तो हम आंसर में ए ही को पुश करना भूल गए थे। तो ये सब तो कर लिया था लेकिन यहाँ पर ए में तो स्टोर कर रहे हैं ना वन वैल्यू, कहाँ गया ये हमारा, ये ए में स्टोर ही नहीं कर रहे थे, तो हमारा जो वेक्टर इनसाइड वेक्टर वाला था, तो वो जो इनसाइड वाला वेक्टर था वो जा ही नहीं रहा था, तो ये एक एरर था। अगर आप अपना एरर देखना तो वहाँ इंग्लिश वाले में देख सकते हो, आंसर डॉट पुश बैक ए करना है हमें, ठीक है। किया गया हमने, तो हम लोगों ने किया क्या यहाँ पर, यहाँ तक तो आई थिंक समझ ही आ गया भाई ये, यहाँ तक। अब हमने कहा क्या कि जो ये है ए, उसमें स्टार्ट भेजो जो कि हमारा इनिशियल ये है, ठीक है, लेट्स से वन है, और सॉर्टिंग के बाद एंड जो है वो टू हो गया, ये भेजा, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि जो स्टार्ट है उसको बढ़ा के, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो स्टार्ट फिर थ्री हो जाएगा, ठीक है, और एंड लेट्स से सिक्स हो जाएगा। तो अब ये हो क्या रहा है कि ये बस बनाता जा रहा है इंटरवल और ये सब पुश करता जा रहा है आंसर में, तो ये हो रहा है क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो बस बना रहा है पुश कर रहा है, बना रहा है पुश कर रहा है, ठीक है। अब बस साइज आंसर कर लेंगे और आंसर रिटर्न कर देंगे, और कुछ करना है नहीं। तो एंड जो है एंड वो इंटरवल डॉट साइज तक जाएगा, जो हमारा एन है वो इंटरवल डॉट साइज होगा, ये हमें साइज दे देगा। फिर हम करेंगे क्या, आंसर में पुश पुश बैक करेंगे अपना एस और ई स्टार्टिंग और एंड। तो यहाँ पर एक एरर आया था, कर्ली ब्रेसेस, अगेन कर्ली ब्रेसेस वाला ही एरर था, एस और ई पुश करेंगे, ठीक है। यहाँ तो सारा लॉजिक समझ ही आ गया, ये भी समझ में आ गया कि स्टोर करा के पुश किया है, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये करेंगे, अगर इनमें से फॉर लूप के अंदर ही नहीं किया तो बस हम ये कर देंगे, ठीक है, अगर लूप के अंदर जा रहा है तो ये रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर दो, रन करते हैं तो फुल ये चल जाना चाहिए। चल गया ये, तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। मैंने जो जो एरर इंग्लिश वीडियो में किए थे वो यहाँ मैंने आपको बता दिए, अगर आपको देखना है एरर क्या कौन कौन सा आया था तो जाके आप इंग्लिश वीडियो वाले में देख सकते हो। एंड बाकी मैं आपको मिलूंगा दूसरे वीडियो में, इसके बारे में पढ़ना तो लिंक नीचे है, इसकी इंग्लिश वीडियो देखनी है उसकी भी लिंक नीचे है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।